आहूजा को भी टक्कर देते हैं ये एम्पलीफायर। तो कौन से एम्पलीफायर हैं जो आहूजा को टक्कर देते हैं, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा आपको। और कई भाइयों को कमेंट आ रहा था कि भाई हॉर्न के लिए वैसे कौन सा एम्पलीफायर सही रहता है और कौन सा हम चलाएं, और तो हमारा एम्पलीफायर ख़राब क्यों हो जाता है हॉर्न पे, ज़्यादा हम हॉर्न भी नहीं डालते हैं और ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखें, स्कैप ना करें। आहूजा को भी टक्कर देते हैं ये एम्पलीफायर। तो कौन से एम्पलीफायर हैं जो आहूजा को टक्कर देते हैं, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा आपको। तो आज मैं बताऊंगा कि एम्पलीफायर पे आप चाहे कम हॉर्न डालो चाहे ज़्यादा हॉर्न डालो, आपका एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा। ऊपर जो देख रहे हो ये ऑडियो का एम्पलीफायर है, आप देख सकते हो ये 350 वाट है। और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए कि कितना हॉर्न चला सकता है, तो अगर सही चलाएगा तो 8 हॉर्न बहुत अच्छे चलाएगा, और इससे ज़्यादा डालोगे तो 10 भी 15 भी चला देगा। तो आपके पास जो एम्पलीफायर है और कम हॉर्न डालते हो उसके बावजूद भी एम्पलीफायर ख़राब हो रहा है, जैसे 120 वाट है, 80 वाट है, आप 2 हॉर्न या 4 हॉर्न डाल रहे हो उस पर और एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। तो भाई इतना ध्यान रखो, आपके जो यूनिट हैं वो आपके सही नहीं बने हुए हैं, इसलिए आपका एम्पलीफायर ख़राब हो रहा है या ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। भाई ने कमेंट किया था एक ने कि 80 वाट हमारा एम्पलीफायर है, 2 हॉर्न नहीं चलाता है, ख़राब हो जाता है। तो भाई यूनिट आप सही करो, यूनिट आपके सही नहीं है बने हुए। तो दूसरा हमारा एम्पलीफायर है ये ESCO 265 वाट है, और इसको अगर लेने जाओगे आप तो कम से कम 30 हॉर्न बताएगा या 20 हॉर्न बताएगा। देखो शॉप वाला जो कहेगा कि इस पे 20 हॉर्न चल सकते हैं या 25 हॉर्न चल सकते हैं या 30 हॉर्न चल सकते हैं, तो भाई 100% आपको जो दुकानदार हैं वो गलत बताते हैं। तो आप किसी के झांसे में ना आए, इतना ध्यान रखें। इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ये एम्पलीफायर 265 वाट है, और इस पे अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 15 हॉर्न ये चला देगा, ठीक है, बिना किसी के प्रॉब्लम के अच्छा खासा चलता रहेगा। थोड़ा बहुत हीट होगा, उसे पंखा भी लगाना पड़ सकता है। इस पर की कैपेसिटी है ये 15 हॉर्न चलाएगा, और डालने को इस पे 20 डाल दो वो भी चल जाएंगे, और सही चलाना चाहते हो तो आप 15 हॉर्न ये चलाएगा बढ़िया, जिससे हमारा एम्पलीफायर ख़राब भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छी आवाज़ की अगर बात की जाए तो इसकी इतनी चटक इतनी खरी आवाज़ होती है एम्पलीफायर की, ESCO के एम्पलीफायर की, जो आहूजा भी नहीं टक्कर ले सकता इसकी अगर बात की जाए तो आहूजा भी फेल है इसके आगे, ठीक है। आहूजा चाहे कितना भी बढ़िया हो मगर इसके आगे फेल है ये एम्पलीफायर, ऐसा है। और जितने भी एम्पलीफायर हैं, ठीक है, हॉर्न वाले सब फेल हैं इसकी टक्कर पर अगर इसकी बात की जाए तो। और चला तो चाहे कोई सा भी लो मगर इसकी टक्कर पर कोई सा एम्पलीफायर नहीं है अभी, तो ये पुराना एम्पलीफायर है और इसकी टक्कर पर अभी भी कोई एम्पलीफायर नहीं बना है और नहीं है। तो ये एम्पलीफायर सबसे बढ़िया होता है हॉर्न के काम के लिए। लाइन की अगर बात की जाए तो कितनी भी लंबी लाइन डाल दो यही ये सेट झपट रोकते हैं, वरना और एम्पलीफायर के बस की बात नहीं है जो झपट रोक जाए लाइन पर। तो ये एम्पलीफायर इतना बढ़िया होता है हॉर्न के काम के लिए। तो आपका अगर 4 हॉर्न डालते हो या 5 हॉर्न डालते हो कोई एम्पलीफायर पर और एम्पलीफायर गर्म पड़ता है, साइड आप पकड़ के देख सकते हो जिधर ट्रांजिस्टर है तो उधर पकड़ के देख सकते हो आप, अगर ज़्यादा हीट हो रहा है 4-5 हॉर्न पर एम्पलीफायर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो यूनिट बनवाए हैं या बनाए हैं उनमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं, इसीलिए एम्पलीफायर गर्म पड़ रहा है, गर्म पड़ के एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है या यूनिट पहले ख़राब होगा। तो यूनिट आप प्रिपेयर करना अच्छे से सीख लो, और तो अच्छे से अगर बनाना नहीं जानते हो यूनिट तो मैंने वीडियो बना रखी है यूनिट कैसे रिपेयर करें और कैसे सही करते हैं, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर, और उससे देखो आप कैसे रिपेयर करते हैं। तो बढ़िया करके रिपेयर करना है जो कहीं हमारा अर्थिंग ना करे, जिससे यूनिट सही से रिपेयर नहीं है तो सबसे पहले भाई हमारा एम्पलीफायर ख़राब होगा, चाहे ज़्यादा वाट का हो चाहे कम वाट का हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे खासे एम्पलीफायर हमारी गलती की वजह से ख़राब हो जाते हैं, स्पीकर रिपेयर करते हैं उसमें भी हमारी ही गलती होती है कहीं ना कहीं, जिससे एम्पलीफायर ख़राब होता है। और यूनिट देखो सही से रिपेयर नहीं करते हैं तभी हमारा एम्पलीफायर अच्छा खासा एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है, नया से नया एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है हमारी गलती की वजह से। तो आउटपुट जो निकलती है प्लस माइनस, तो वो हमारे अगर कहीं ना कहीं भिड़ेंगे तो एम्पलीफायर हमारा हीट पड़ेगा, और हीट पड़ेगा तो एम्पलीफायर हमारा ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कहाँ पे होता है, ये अगर आपका सही से स्पीकर नहीं बना है या सही से यूनिट नहीं बना है तो भाई हमारी ये प्रॉब्लम आएगी, हमारा एम्पलीफायर ख़राब होगा, इसे कोई नहीं रख सकता। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखें, अगर एम्पलीफायर आपका बार बार ख़राब हो रहा है तो भाई कहीं ना कहीं आप पहले अपनी स्पीकर या यूनिट चेक करो जिससे एम्पलीफायर ख़राब हो रहा है, उसके बाद देखो कि एम्पलीफायर में ही हमारे कहीं प्रॉब्लम है तो नहीं। अगर ड्राइवर बोल्ट ज़्यादा आते होंगे तो एम्पलीफायर हमारा ख़राब होगा, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हो जाके। तो जिस एम्पलीफायर की कैपेसिटी अगर 15 हॉर्न की है, 10 पे ज़्यादा गर्म पड़ रहा है या 5 पे ज़्यादा गर्म पड़ रहा है, तो भाई
सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी यही है कि आपका यूनिट ख़राब है कहीं ना कहीं से। मैं जिस एम्पलीफायर पे जो हॉर्न चलाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वही एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और आप कैसे कैसे चलाते हैं और कितने हॉर्न चलाते हैं कौन से एम्पलीफायर पे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।